दोस्तों 12 नवंबर सन 2018 देश की राजधानी दिल्ली में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है लाजपत नगर। आज भी लाजपत नगर फ्लाईओवर के नीचे पुरुष वेश्याओं की पूरी बाजार लगी हुई थी। इस हर तरीके का पुरुष यहां पर अमीर घर की महिलाओं का अपनी खरीदारी के लिए इंतजार कर रहा था। हर पुरुष ने अपने गले पर एक लाल रंग का रुमाल बांधा हुआ था जिसका मतलब था कि वह पुरुष वेश्या है। इन्हीं पुरुष वेश्याओं में सुमित नाम का लड़का था जो दिल्ली में सरोजनी नगर में रहता था और वहीं एक कपड़े की दुकान में काम करता था, लेकिन पार्ट टाइम के लिए उसने ये जॉब पकड़ रखी थी। तभी एक वहां पर गाड़ी आती है, उस गाड़ी में एक महिला बैठी हुई थी। वो सुमित को अपनी ओर इशारा करती है, सुमित तुरंत जाता है और उस महिला के साथ उस गाड़ी में बैठ जाता है। वो गाड़ी वहीं से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद वो गाड़ी एक पोस्ट कॉलोनी जिसका नाम सफदरजंग इनक्लेव है वहां पहुंचती है। पहुंचने के बाद वह महिला और सुमित उसके फ्लैट के अंदर जाते हैं। फ्लैट के अंदर पहुंचने के बाद महिला सुमित को कोल्ड ड्रिंक वगैरह के लिए बोलती है। सुमित और वह महिला काफ़ी देर तक कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं। उसके बाद में वह महिला सुमित के साथ में छेड़छाड़ी करनी लगती है। सुमित का तो ये रोज का काम था, वह भी उस महिला के साथ में मस्ती करने लगता है, उसके साथ छेड़छाड़ी शुरू कर देता है। लेकिन उस दिन सुमित का उस महिला के साथ ऐसा शारीरिक संबंध बनता है कि उस महिला की हालत खराब हो जाती है। वो सुमित की दीवानी हो गई थी। सुमित वहां से निकलने लगता है तो वह महिला सुमित का मोबाइल नंबर ले लेती है। उसके बाद सुमित वहां से निकल जाता है। दोस्तों ये सच्ची घटना दिल्ली की है जहां सुमित नाम का एक लड़का पैसे के लालच में आकर गलत राह को पकड़ लेता है या फिर गलत राह पे चला जाता है, वह पुरुष वेश्या बन जाता है। इस घटना के अंत में ऐसा होता है जिसको सुनकर आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये हो कैसे सकता है, कि आखिर ये हुआ कैसे। बस घटना में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश शर्मा आप सभी का अपने नई वीडियो में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों 11 फरवरी सन 2015 बिहार का मधुबनी जिला मधुबनी के रहने वाले जय नारायण के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा उनके तीन बच्चे थे। इनमें दो बेटियां थीं और एक बड़ा बेटा जिसका नाम सुमित था। जो जग नारायण थे वो पास के ईंट भट्टे में मुनीम का काम किया करते थे, जबकि दोनों बेटियां पढ़ती थीं और जो बेटा था वो भी आर्मी की तैयारी कर रहा था। उसने अपनी 12वीं की पढ़ाई पास के इंटर कॉलेज से पास कर ली थी। सुमित का रोज का काम था, सुबह शाम खूब कसरत करता था और आर्मी की तैयारी करता था। दो मौके तो वह गंवा चुका था लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। ये आखिरी मौका था उसका आर्मी में सिलेक्शन के लिए, इसलिए जी तोड़ मेहनत कर रहा था। वह आर्मी की भर्ती निकलती है और इस बार फिर सुमित उसमें भाग लेता है। सुमित इस बार भी उसमें दौड़ तो निकाल लेता है लेकिन मेडिकल में उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि उसका एक हाथ बचपन से टूटा हुआ था जिसकी वजह से वह बार बार मेडिकल में फेल हो रहा था। जब मेडिकल में फेल हो जाता है तो सुमित बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है। निराश होने के बाद वो घर आ जाता है। घर में आने के बाद कई दिनों तक उदास रहता है। उसके घर वाले उसको समझाते हैं कि अगर तुम्हारा आर्मी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो बहुत सारी नौकरियां हैं, वहां ट्राई करो। लेकिन सुमित बहुत निराश हो गया था। एक दिन सुमित के पास दिल्ली से उसके एक दोस्त का फ़ोन आता है, उससे बोलता है कि तेरे पास अगर कोई काम ना हो तो मेरे पास दिल्ली आ जा, यहाँ तुझे मैं अच्छी नौकरी लगवा दूंगा। सुमित का भी मन हो जाता है कि यहाँ तो कुछ है नहीं, चलो दिल्ली ही चलते हैं। वो घर जाता है और घर जाने के बाद में अपने माँ बाप से ये बात करता है, इस विषय में बात करता है। माँ बाप भी तैयार हो जाते हैं कि अच्छी बात है, अब तुम्हें कमाना चाहिए क्योंकि तुम्हारी दोनों बहनें बड़ी हो रही हैं और मैं इतना पैसा ईंट भट्टे से नहीं कमा पाता हूँ कि उनकी अच्छी सी शादी कर सकूँ। सुमित तैयार हो जाता है। अगले दिन सुमित मधुबनी से दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ लेता है और दूसरे दिन वो दिल्ली पहुंच जाता है। दिल्ली पहुंचने के बाद वो सीधा अपने दोस्त के पास चला जाता है। उसका दोस्त दिल्ली में एक जगह पड़ती है सरोजनी नगर, वहीं पर रहता है और वहीं के एक मार्केट में वह कपड़े की दुकान पे काम करता था। जाता है उस दिन अंदर पूरा आराम करता है। अगले दिन वह दोस्त उसको अपने कपड़े की दुकान में ले जाता है और सुमित का उसी कपड़े की दुकान में जिसमें उसका दोस्त काम करता है उसको लगवा लेता है। ठीक ठाक सैलरी थी। अब सुमित अपने काम में लग जाता है। उसका डेली का यही रूटीन था, सुबह दुकान जाता था और रात करीब 9 बजे के आसपास वो घर आ जाता था।
सुमित जिस क्वार्टर में रहता था, जिस कमरे में रहता था, उसी के नीचे ही एक जिम था। सुमित को तो पहले से ही कसरत का शौक था और बॉडी बिल्डिंग का शौक था, तो इसलिए वो सुबह सुबह जिम जाने लगा। उसने जिम को ज्वाइन कर लिया। जिम जाते जाते उसके कई दोस्तों से उसकी अच्छी खासी जान पहचान भी हो गई थी। उनमें से एक उसका अच्छा दोस्त था जिसका नाम था राघव। राघव और सुमित एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, इतने अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन राघव सुमित को बातों ही बातों में बोलता है कि मुझे लगता है कि तेरी इतनी सैलरी दुकान में मिलती है, उससे तेरा पूरा गुजारा नहीं हो पाता है। सुमित राघव का अच्छा दोस्त था, वो साफ साफ बता देता है। वो बोलता है कि यार नहीं तो सैलरी मिलती है, उससे मेरा ही गुजारा नहीं हो पाता, आगे मेरी बहनों की शादी भी है, कैसे करूँगा मैं शादी। तभी राघव बोलता है कि पैसे कमाना चाहता है ज़्यादा। सुमित राघव से बोलता है कैसी बात कर रहा है, कौन नहीं चाहता कि वह पैसे कमाए। तभी राघव सुमित से बोलता है कि मैं तुझे एक ऐसा काम बताऊंगा जिसमें मजे भी ले और खूब पैसे भी कमाए। जो सुमित था वो तैयार हो जाता है, बोलता है कि यार भाई ऐसा कौन सा काम है, कोई काम बताओ जिसमें मजे भी हो पैसे भी हो। राघव बोलता है कि मैं काम तुझे बता नहीं सकता हूँ, काम तुझे सामने से दिखाऊंगा, अगर तुझे पसंद आए तो करना, नहीं तो कोई बात नहीं है। दूसरे दिन रात करीब 11 बजे राघव का फोन सुमित के पास आता है। वो उससे पूछता है कि फ्री है, तो सुमित बोलता है कि भाई मैं तो फ्री हूँ। राघव तुरंत उसके पास कार लेकर जाता है और उसको अपनी कार में बैठा लेता है। बैठाने के बाद दोनों सरोजनी नगर से लाजपत नगर की ओर निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद राघव अपने गले में लाल रुमाल बांधता है और उतर कर वहाँ कई लोगों के साथ खड़ा हो जाता है। जो सुमित होता है ये सब देख रहा होता है, तो देखकर दंग रह जाता है कि ये क्या ड्रामा चल रहा है, आखिर ये क्या बात है। तभी एक अमीर घर की औरत आती है। आने के बाद वह एक आदमी को, एक लड़के को अपनी तरफ इशारा करती है। वो लड़का उसके साथ जाता है, कार में बैठ जाता है। उसके बाद वो औरत और लड़का वहाँ से चले जाते हैं। तभी राघव सुमित के पास कार में आता है और सुमित से पूछता है कि कुछ समझे गुरु, ये सब क्या हो रहा है। जो है वो नाम जवाब देता है, क्योंकि उसके समझ में कुछ आ ही नहीं रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्या ड्रामा हो रहा है। राघव सुमित को समझाता है कि यहाँ अमीर घर की औरतें आती हैं, आने के बाद वह अपने मनपसंद का लड़का चुनती हैं, उस लड़के को अपने साथ या तो होटल में ले जाती हैं या अपने घर में ले जाती हैं। जाने के बाद में उस लड़के के साथ संबंध बनाती हैं, शारीरिक संबंध बनाती हैं। संबंध बनाने के बाद में बहुत मोटी रकम भी मिलती है और ये बात बहुत ही सीक्रेट रहती है। राघव सुमित से पूछता है कि तू करेगा ये। तभी सुमित कान पकड़ लेता है, बोलता है भाई मुझसे ये सब काम नहीं हो पाएगा। राघव उसको बड़े बड़े ख्वाब दिखाने लगता है कि तेरा ये हो जाएगा, तू ये बन जाएगा, नौकरी भूल जाएगा, वगैरह वगैरह की बातें करने लगता है। सुमित को पैसे की जरूरत तो थी ही, आखिर में राघव सुमित का ब्रेन वॉश कर देता है और सुमित इस काम के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन सुमित राघव के साथ सरोजनी नगर से लाजपत नगर के लिए निकल पड़ता है। लाजपत नगर पहुंचने के बाद सुमित भी अपने गले में लाल रुमाल बांध लेता है और पुरुष वेश्याओं के साथ खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद एक औरत आती है अपनी गाड़ी में। आते ही वह अपना कांच खोलती है और सुमित को अपनी ओर बुलाने लगती है। तभी राघव सुमित को बोलता है कि जा भाई तू भी अपनी बौनी कर ले। सुमित उस औरत के पास जाता है। वो औरत उसको अपनी गाड़ी में बैठा लेती है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद सुमित और वो औरत एक पोश कॉलोनी में पहुंचते हैं जिसका नाम सफदरजंग था। वहां पहुंचने के बाद वो औरत सुमित को अपने फ्लैट में ले जाती है। ले जाने के बाद वह सुमित से उसका नाम वगैरह पूछती है। सुमित भी उसका नाम पूछता है तो अपना नाम कीर्ति बताती है और ये बताती है कि वह तलाकशुदा है। इन्हीं बातों के दौरान जो कीर्ति थी वह कुछ ड्रिंक वगैरह ले लेती है। दोनों जमकर वहां पर ड्रिंक वगैरह करते हैं। कीर्ति सुमित के साथ में छेड़छाड़ी करना शुरू कर देती है। सुमित पहले से ही तैयार था कि उसे मालूम था कि उसे क्या करना है। वो भी कीर्ति के साथ में छेड़छाड़ी करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद दोनों आपस में संबंध बनाने लगते हैं। सुमित इस तरीके से कीर्ति के साथ में संबंध बना रहा था कि कीर्ति की हालत खराब हो गई थी। थोड़ी देर बाद ये तूफान रुकता है। कीर्ति सुमित से मिलकर बेहद खुश थी, क्योंकि वो सुख मिला था जो आज तक किसी ने भी नहीं दिया था।
सुमित अपने पैसे लेता है और वहां से जैसे ही जाने को होता है कीर्ति उससे उसका नंबर मांगती है। सुमित उसको नंबर दे देता है। देने के बाद सुमित वहां से निकल जाता है। अब जब भी कीर्ति का मन करता था वो फोन करके सुमित को बुला लेती थी। बुलाने के बाद में दोनों जमकर साथ में फ्लैट में रंगलेलियां मनाते थे। कई महीने तक ये सिलसिला चलता रहा। धीरे धीरे कीर्ति को सुमित से प्यार होने लगा था। एक दिन कीर्ति सुमित को फोन करती है और उसको अपने पास बुलाती है कि यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, इधर आ जाओ, मिलकर तुमसे कुछ बात करनी है। सुमित वहाँ पहुँच जाता है। दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं। जाने के बाद थोड़ा खाते पीते हैं। उसके बाद दोनों एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं। तभी जो कीर्ति थी वो सुमित से पूछती है कि वह कहाँ का रहने वाला है, कौन कौन उसकी फैमिली में है। तो सुमित अपनी फैमिली के बारे में सारी चीज़ें साफ साफ बता देता है। तभी जो सुमित होता है कीर्ति से पूछता है कि तुम भी अपने बारे में बताओ। कीर्ति अपने बारे में बताती है कि वह चंडीगढ़ की रहने वाली है। 1 साल पहले उसकी शादी हुई थी और जिससे शादी हुई थी वह पहले से ही शादीशुदा था। उसने कीर्ति को धोखा दिया था, इसलिए कीर्ति ने उससे तलाक ले लिया था। फिलहाल कीर्ति यहीं दिल्ली में रहती थी जबकि उसके माता पिता चंडीगढ़ में रहते थे। कीर्ति यहाँ एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती थी जो गुड़गांव में है और अच्छी खासी सैलरी भी कमाती थी। करीब 1 साल गुजर जाता है। इस 1 साल में सुमित और कीर्ति एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करने लगते थे। दोनों ने पहले एक दूसरे के बारे में जान लिया था। करीब 1.5 साल बाद दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने का फैसला करते हैं। दोनों अपने अपने घर में एक दूसरे के बारे में बात करते हैं। करीब 10 दिन बाद दोनों के परिवार वाले दिल्ली पहुंच जाते हैं। इनमें सुमित का भी परिवार था और कीर्ति का भी परिवार था। दोनों परिवार आपस में मिलते हैं। मिलने के बाद बातचीत होती है। बातचीत के बाद इन दोनों की शादी पक्की कर दी जाती है। करीब 1 हफ्ते बाद दोनों की शादी कोर्ट में ले जाकर करवा दी जाती है। आज शादी को करीब 8 साल हो गए हैं। कीर्ति और सुमित एक दूसरे की जिंदगी में बेहद खुश हैं। फिलहाल इनके 1 8 साल का बेटा भी है जिसका नाम रोहन है। तीनों लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हैं और अपनी ज़िंदगी को हंसी खुशी तरीके से दिल्ली में काट रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आज की वीडियो। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।